बिल्कुल, 2 दिन पहले ये सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल हो गई थी कि 3 लोग जो है वो रामसू तक पहुंचे, बट फाइनली उनका जो डेस्टिनेशन था श्रीनगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। कारण बताया जा रहा था कि मे बी शायद कोई लैंडस्लाइड में उनकी गाड़ी गिर गई या कुछ ऐसा हुआ कि वो गुमशुदा हो गए। तो तुरंत हमने अपनी टीम्स और साथ में SDRF को डिप्लॉय किया, और जो भी सारा एरिया रामसू से आगे बनिहाल तक हमने वो सारा सर्च करवाया। कल ही मॉर्निंग में मेरे पास सर्चेस वर गोइंग ऑन, बट कल मॉर्निंग में मेरे पास लखनऊ पुलिस की तरफ से एक फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वो मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें आप सर्च करवा रहे हैं, बट हमारे पास एक ब्लाइंड मर्डर हमें हमने देखने को मिला था 10 दिन पहले, इन्हीं की ही बॉडीज हमें रिकवर हुई थी। हमें नहीं पता चल पाया था, मतलब लखनऊ पुलिस को तब तक नहीं पता चल पाया था कि वो बॉडीज जो है वो किसकी है, तो इसलिए उनकी तरफ से कोई आगे कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई थी। पर जब उन्होंने देखा कि जिनकी बॉडीज मिली है उन्हीं को ही हम ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने हमसे डिटेल्स मांगे कि आपसे किसने कहा था कि इनका सर्च शुरू करने के लिए। तब हमने उनके डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करे और फिर वो हमें पता लगा कि वो लखनऊ में ही रह रहे हैं, और हमने यहाँ पे तब भी सर्च जारी रखी क्योंकि हमें ये पता था कि मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो सस्पेक्ट्स हैं वो भी हमारी सभी कार्रवाई को देख रहे हैं, तो हम नहीं उनको आगाह करना चाहते थे कि हमें सच्चाई का पता लग चुका है, इसलिए सर्च वॉज ऑन। जब तक लखनऊ पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा सस्पेक्ट्स को, तब तक हमने अपनी सर्च यहाँ पे जारी रखी। जब उन्होंने वहां पे उनको पकड़ लिया उसके बाद मीडिया से भी, क्योंकि मुझे बहुत फोन आ रहे थे, तभी मैंने मीडिया को ये बयान दिया कि वो पकड़े जा चुके हैं और उनको ये सच्चाई बताई कि वहां पे इनका गला रेत के इनकी हत्या की गई थी तीनों की। सबसे पहले जो है वो भाई की बॉडी मिली थी लखनऊ पुलिस को, 10 किलोमीटर के बाद अप्रोक्सीमेटली फादर की, और 500 मीटर और चलने के बाद उनको मदर की भी बॉडी मिल गई थी। तो ये पूरा सिनारियो रहा था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.